जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आप जानते हैं जब किसी को नज़र लगती है तो पहले दादी नानी क्या किया करती थी, लाल मिर्ची उबार के 7 बार और आग में जला दिया करती थी। आपने सुना ही होगा, मैंने अपने एक वीडियो में अपलोड किया था कि तेज पत्ता, आप यदि तेज पत्ते को घर में प्रतिदिन जलाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बिल्कुल बाहर निकल जाती है। एक खुशियों से भरा, एक उत्साह से भरा, आपको सकारात्मक वातावरण लगने लगता है। और लौंग, काली मिर्च, इसके प्रयोग भी किसी से अछूते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो इससे संबंधित डाल के रखे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो भी रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं पर्सनली, जो लोग मुझे जानते हैं और ये उपाय करते हैं वह बताते हैं कि हाँ, इन उपायों से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। यदि आप कपूर के साथ एक लौंग जल रखकर और दीपक में रात को जलाते हैं, अब देखना आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन बढ़ने लगता है। क्योंकि ये जो तेज मसाले, तेज खुशबू वाले मसाले होते हैं, ये माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने सुना ही होगा, मैंने एक वीडियो में बताया है कि जब आप शुक्रवार के दिन शाम के समय गुलाब का इत्र आप अपने कपड़ों पर लगाते हैं, और शुक्रवार के दिन इतना तक है, जो महिला प्रतिदिन स्नान के बाद, सॉरी प्रतिदिन नहीं, शुक्रवार को भी कर लेते हैं, प्रतिदिन करते तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यदि शुक्रवार को अपने कपड़ों पर थोड़ा सा इत्र लगाती है, माँ लक्ष्मी अपनी कृपा पूरी तरीके से उस घर पर बनाए रखती है, उस परिवार पर बनाए रखती है। और महिला ही घर की लक्ष्मी होती है, महिला ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे। पुरुष का काम है कमाना, लेकिन महिला का कार्य है उस धन को कैसे बढ़ाया जाए, उस धन से कैसे अपना भरण पोषण अच्छे से किया जाए, अपने परिवार को अच्छी लाइफ दी जाए, अपने बच्चों को आगे के लिए और ले जाया जाए, ये महिला का ही कार्य होता है। सारा कार्य भारी आला महिला ही करती है। इसलिए महिला ही यदि अपने कपड़ों पर, पुरुष भी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका प्रतिफल मिलता है, लेकिन महिला को तो ये कार्य करना ही चाहिए। उसी श्रृंखला में आज मैं बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए उपाय लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले, तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और मेरे पहले के वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हुई है, बहुत लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अदरक, बहुत ही जाना पहचाना नाम, सूखा रूप इसे सौंठ का कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सौंठ के कितने अच्छे अच्छे आप खाने में उपयोग करते हैं तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अदरक का प्रयोग करते हैं। जैसे चाय में यदि आपने अदरक डाल दी तो आपकी चाय का टेस्ट ही बढ़ जाएगा। उसी तरीके से एक अदरक का प्रयोग बता रही हूँ जिसे आप कर लेते हैं। आपके घर में कोई भी अदृश्य अनिष्टकारक शक्तियाँ होती हैं, बाहर का रास्ता देख लेती हैं, घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती, और पूरा सकारात्मक वातावरण आपके घर में हो जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। कोई भी अनिष्टकारक घटनाएं आपके घर में, आकस्मिक जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। आपको करना ये है कि जब आप अदरक लेकर आते हैं, आपको यह उपाय आप 6 महीने में, 3 महीने में, 12 महीने में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन तक तो वह अदरक अच्छी ताज़ी बनी रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप यदि वो फिर से यह उपाय कर लेते हैं, ठीक नए सिरे से आपके यहाँ वातावरण में शुद्धि होने लगती है। ये वातावरण को शुद्ध करने का, आपके घर के वातावरण को सकारात्मक रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आप एक अदरक ले लें, अदरक का टुकड़ा, यदि आपके घर में बाहर की तरफ, घर के बाहर यदि आपने गार्डन टाइप बना के रखा है, प्लांटेशन करके रखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप घर के बाहर ईशान कोण पर इस अदरक को लगा दें, एक गमले में, या मिट्टी हो तो मिट्टी में गाड़ दें, और आप देखना इसका असर। और उसको प्रतिदिन आपको थोड़ा थोड़ा पानी देना है। जब वो अदरक ताज़ी रहेगी तो उसमें से एक खुशबू होती है जो आपके अंदर, घर के अंदर सकारात्मक वातावरण को खींचती है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, और नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं, अनिष्कारक शक्तियाँ होती हैं, उन्हें बाहर ही रखती है, अंदर प्रवेश नहीं करने देती। आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं। यदि आपके घर के बीचों बीच थोड़ी सी कच्ची जगह है
तो और ही बेस्ट। आप ये कार्य घर के बीचों बीच करते हैं तो आप समझ लीजिए आपका घर हमेशा के लिए नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं उनसे बचा रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि ना आपके घर के बाहर ऐसी कोई जगह है जहाँ फ्लैट में रहते हैं, गार्डन बनाने की जगह नहीं है, या आपने प्लांटेशन नहीं करके रखा है, तो आप छोटे से गमले में ये कार्य कर सकते हैं। और थोड़ी सी मिट्टी भर दीजिए, उसमें अदरक गाड़ दीजिए और डेली डेली उसको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। यह आपके घर को बहुत ही सकारात्मक रखता है। आपके घर में यदि कोई बहुत ही बीमार व्यक्ति है तो आप कम से कम उसको थोड़ी देर उस व्यक्ति को उस गमले के पास जाके घूमने की बैठने की कहें। इससे उसके धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। कर देखिए। आपको कोई पूजन नहीं करना, कोई पाठ नहीं करना, लेकिन जो ये अदरक का प्रयोग है एक बार कर लेते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, तो आप चाहेंगे कि आप इसको दोबारा रिपीट करें, क्योंकि इसका पॉजिटिव असर आपको अपनी लाइफ में दिखने लगेगा। कर देखें। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप कभी भी कोई भी उपाय करते हैं ये सोच कर ना कीजिए कि ठीक है बताया है तो कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है। ऐसा सोच के करते हैं तो उसका इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप अपने अंदर की शक्तियों को पॉजिटिव रखते हैं, यह सोच के करते हैं कि बहुत ही अच्छा उपाय है, ये कहीं से पुराणों से निकाला गया है, शास्त्रों से निकाला गया है, हमारी दादी नानी के बताए हुए नुस्खे हैं जो हमारे सामने फिर से रिपीट हो रहे हैं। यदि आप ऐसा सोच के, और ये असर करेगा ही करेगा, आप यदि ये सोच के करते हैं तो वो कार्य आप पर 100% इफेक्टिव होगा। कर देखें। ओम नमः शिवाय।